देखिए, हमारे सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य बहुत साफ है। आज लगभग 200 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, और नहीं 450 मिलियन लोग ऐसे हैं जिसका घर नहीं है, और हमारा लक्ष्य है कि अगले 2022 तक लगभग 20 मिलियन आवास, यानी कि अगर 5 की औसतन रखी जाए, 4 से 5 लोग, ये हमारा लक्ष्य है। और इससे रियल इस्टेट क्षेत्र में भी सरकार की तरफ से इस बड़े अभियान का सीधा लाभ होगा, और कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए जो एक्ट आया है जिससे कस्टमर्स को प्रोटेक्शन मिल सके, लेकिन साथ साथ इस बड़े निर्माण के कार्य में 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, और ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देने का हमने लक्ष्य स्थापित किया है। और मैं समझता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कौशल का अभियान भारत में चल रहा है, जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रहा है। हमें विश्वास है कि हम घर घर तक, गाँव गाँव तक पहुँच के घर बनवाएंगे और इसका लाभ लोगों को मिलेगा। देखिए, आप सबसे बड़ी बात है कि 2.5 साल पुराने इस मंत्रालय की स्थापना के बाद आप स्वयं कह रहे हैं कि स्किल इंडिया में काम हुआ है। ये शुरुआत है, अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है, और जिस अनुपात में देश की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका मॉनिटरिंग करके इस विभाग को खड़ा किया है, आने वाले दिनों में एक बड़ी कामयाबी की तरफ हम बढ़ेंगे।